परेशान है बाबा, ऊपर का एरिया है, खाने को पानी को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक नीचे भी गए तक ऊपर खत्म हो रहा, ऊपर आता है नीचे खत्म हो रहा, राशन को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला था, आप लोग मदद करना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग चावल जो देते हैं वो ले लेते हम लोग, आप लोगों की मेहरबानी है बहुत बहुत। बूढ़े भी हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, गाड़ियाँ नीचे दे दे के चले आ रहे हैं, ऊपर वाले खाली बैठे हुए हैं, परेशान है, बहुत परेशान है, ठहर रहे लेकिन मिला नहीं। अभी आप सुने जैसे कि रात के 1-1 बजे रात में बैठ गए पापा, घरों में बैठ गए काम करने के बाद जाके शाम में काम कर रहे हैं। घर चलने का था हम लोग, घरों में बैठे हुए इस वक्त, लाएंगे तो खाएंगे खाना हमारा घरों में, बाहर उतर के गए तो मार रहे आदमी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खातरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 18 अप्रैल सैटरडे है, हफ्ते का दिन है, और इस वक्त मैं शाहीन नगर के पहाड़ी इलाके में आई हूँ। शाहीन नगर का सबसे ऊपर का इलाका एरिया है ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ पे है, और यहाँ पर कई सारे मुस्तहक मजबूर लोग हैं। यहाँ पर आप देखिए अतराफ में जितने भी घर है, बहुत ज़्यादा मुस्तहक मजबूर लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन इन लोगों को अब तक राशन नहीं मिला है। और यहाँ पर आपको जो नजर आ रही औरतें, 45 घरों की औरतें आई है, तो टोटल हम आपको यहाँ पर 45 घरों की औरतों के लिए राशन का इंतजाम करना है। यहाँ पर कई जन कई दिन से मुझे कॉल्स आ रहे थे, थोड़ी दिन पहले भी मैंने नीचे आके तो थोड़ी दूर पे राशन तकसीम किया था, तभी यहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान है। यहाँ पर लोग कई सारे लोगों को यहाँ पर राशन नहीं मिला है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर राशन देने के लिए, खाने के पैकेट्स भी ला रहे हैं, लेकिन वो नीचे ही लेके वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ ऊपर तक इनको राशन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर का एरिया आपको नजर आ रहा है कितने ऊपर है एरिया, और यहाँ के लोग नीचे जब लेने के लिए जाते हैं जब तक पूरा खत्म हो चुका होता है, जब तक उनके लिए कुछ भी नहीं बचता बांटने की जगह पे, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। छोटे छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं, तो बस हम यही चाहते हैं कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, बहुत तकलीफ है, तो वैसे लोगों को हम राशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जैसे चाहे लोग लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं, पैकेजेस बना के दीजिए या फिर चावल के थैले दीजिए, तेल के पैकेट्स, दाल के पैकेट्स, जैसे चाहे आप लोग दे सकते हैं, लोगों जो चाहे आप लोग मदद कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो रमज़ान की जो आपकी ज़कात है वो भी आप लोग ऐसे मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि देखिए कई सारे लोग हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं, तो बराबर आप लोगों को इस जवाब जारिया का काम है, और आप लोग को बराबर इसकी दुआ, इन लोगों की दुआ लगने वाली है। तो आप जैसे चाहे लोगों के लिए मदद करिए, हमको 45 घरों की औरतों के लिए राशन का इंतजाम करना है। छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं, ज़ईफ औरतें हैं इसमें कई सारी, तो बस ये लोग चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द राशन फ्राहम किया जाए, बहुत तकलीफ में बेचारे। आप लोग भी जानते हैं लॉकडाउन में सिर्फ ये हैदराबाद ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया भर के लोग परेशान हैं, आगे भी हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो बस हम ये चाहते हैं कि और कई सारी घर के हमको जो कॉल्स आ रहे हैं उनको सबको हम राशन फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का ताउन होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की दुआएँ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हो सके आप लोग जैसे चाहे कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि कई सारे ऐसे लोगों के हाथ में वीडियो जा सकता है, जिससे कई सारे मुस्तहक मजबूर लोगों की मदद हो सकती है। आप देख सकते हैं इस वक्त लोग परेशान हाल है बल्कि, तो इतना सामने आके लोगों से पूछ रहे हैं कि हमारे को राशन अभी तक नहीं मिला है। आप भी देख सकते हैं परेशान है, खाने को पानी को नहीं मिल रहा है, यहाँ तक नीचे भी गए तक ऊपर खत्म हो रहा, ऊपर आता है नीचे खत्म हो रहा, राशन को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला था, आप लोग मदद करना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग चावल जो देते हैं वो ले लेते हम लोग, आप लोगों की मेहरबानी है बहुत बहुत। बूढ़े भी हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, गाड़ियाँ नीचे दे दे के चले आ रहे हैं, ऊपर वाले खाली बैठे हुए हैं, परेशान है, बहुत परेशान है, ठहर रहे लेकिन मिला नहीं। अभी आप सुने जैसे कि रात के 1-1 बजे रात में बैठ गए पापा, घरों में बैठ गए काम करने के बाद जाके शाम में काम कर रहे हैं, घर चलने का था हम लोग, घरों में बैठे हुए इस वक्त, लाएंगे तो खाएंगे खाना हमारे घरों में, बाहर उतर के गए तो मार रहे आदमियों को, पुलिस वाले आने नहीं दे रहे, करना तो रात को खाना, बच्चों को मारा खाते खराब में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े हैं, कोई बीमार है, बाहर निकलते हैं डंडे मार कर बैठे हुए जैसा मार रहे हैं, खातों को मार रहे हैं, रानों को मार रहे हैं। रात के 1-1 बजे तक ये लोग भूखे रह रहे हैं, इंतजार में रह के शायद हो सकता है कोई गाड़ी आ जाएगी हमारे राशन के लिए, हमारे लिए खाने का इंतजाम करेगी, ऐसी आस में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। आस में रहते हैं बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि लोग आप इंतजाम करिए, देखिए आप लोग जितना, जैसे कि रमजान भी आ रहा है, रमजान में भी आप लोग को ज़कात निकालना है, रमजान में भी कई सारे लोगों की हम मदद करते रहते हैं, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि रमजान का भी आप लोग ख्याल करके भी जकात अपनी निकाल सकते हैं, जकात में भी आप लोग ऐसे लोगों का इंतजाम कर सकते हैं। बस हमारे एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की कोशिश करिए और जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।